तो ये इंडिया का आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन इनकी बारिश की वजह से रुक गया, लेकिन अगर कंटिन्यू होता तो बहुत अच्छा कंपटीशन था आज। तो आज देखने का मज़ा ही कुछ और था, लेकिन चलें अब कल नेक्स्ट देखेंगे कल क्या होता है। लेकिन अब तक जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि इंडिया जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरीशा शुजाउद्दीन। अरीशा मिस, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैच डिले हो चुका है, तो कल दोबारा यहीं से रिज्यूम होगा, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? यार लगता क्या है, वैसे लगता है कि भारत जीतेगा, उम्मीद है कि पाकिस्तान भी जीत जाए। असल में जिस तरीके से आज खेला है ना, पाकिस्तान की टीम शुरू में ही विकेट उड़ाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखिए 17-18 ओवर में 2 विकेट उड़ी हैं। मतलब मैं खुद हैरान थी कि हमारी बॉलिंग को हुआ क्या है आज। लेकिन खैर बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई थी मैच की। शाहिन आफरीदी और शादाब ने आखिरकार जो है विकेट्स लेके मैच को संभाला, लेकिन फिर बारिश आ गई बीच में, बारिश का तो फिर आना होता है। तो अब उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान का बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो आपका कोई फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान की टीम में? नसीम शाह। और इंडिया में कोई तो होगा? विराट कोहली। विराट कोहली, अगर मतलब विराट कोहली ऐसा है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर से आप उसको कंपेयर करेंगे तो मैं उसी को सिलेक्ट करूँगी, विराट कोहली की बात अलग है। अच्छा, कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहें कल के मैच के लिए? अच्छा, कल के मैच के लिए इंडियंस के लिए है कि भाई मोहब्बत का पैगाम आप लोग को हम देना चाहेंगे। पाकिस्तानी लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत से खेलिए, खेल में जीत हार होती रहती है। आपके लोग हमें पसंद है, हमारे लोग आपको पसंद है, कोई मसले की बात ही नहीं है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कुरतुलैन। मिस कुरतुलैन, जैसा कि आपको पता है कि मैच अभी रुक गया है, तो अब कल दोबारा रिज्यूम होगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा कल। इंडिया जीतेगा? 16 कह रहा है। ज़्यादातर लोग मेरे पाकिस्तान जीतेगा, आप बोलिए। यहीं पर सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी मोहब्बत है, इंडिया से भी है, सपोर्ट करना गुना नहीं है, कर सकते हैं हम सपोर्ट इंडिया को भी। विराट कोहली मेरा आइडल है, मेरा फैन है, मैं उनको फॉलो करती हूँ ना, अच्छा लगता है मुझे, नाइस है। आपको पाकिस्तान की टीम में सबसे ज़्यादा कौन अच्छा लगता है? बाबर आजम है, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ तक जहाँ तक पहुँच रहा है, मेहनत कर रहा है, अच्छा बंदा है, नाइस है। शाहिन आफरीदी, ये भी बेस्ट है, शादाब है, ये अच्छा लगता है मुझे। और इंडिया की टीम में? इंडिया में तो फर्स्ट में तो विराट है, विराट ही है, बस विराट ही लगते हैं इंडिया में तो मुझे, बस और तो कोई मुझे पसंद है, बस मेरे को सपोर्ट विराट की वजह से मैं सपोर्ट कर रही हूँ ना, फिर इंडिया तो मेरा क्या तो मुझे कह रहे कल या इंडिया शायद जीत जाए, मुझे लग रहा है ऐसा। अब लेकिन जो जो मेहनत करेगा जो आगे जाएगा। अगर कल ही बारिश होगी तो कोई पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक एक मेरे हस्बैंड का नाम है, वो बता रहे हैं कि एक पॉइंट मिल जाएंगे, तो उनका नसीब है। कल तक कोई मैसेज लास्ट में आप कल के मैच के लिए? पाकिस्तान के लिए? जी पाकिस्तान के लिए मैं दुआ करूंगी इंशाल्लाह वो जीते, पर मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन बस ये पाकिस्तान ये हम यहाँ रह रहे हैं काफ़ी है, मतलब वैसे आपको ज़्यादा लगता है कि इंडिया जीतेगा? इंडिया, हाँ सपोर्ट में करूँगा इंडिया को कर रही हूँ जी, पर दुआएं कि मैं दोनों के लिए करूँगी कि दोनों में जो अच्छी टीम खेले वो सपोर्ट में करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो विराट कोहली ने तो खेला था यहाँ तो निकाल दिया था मैच एंड टाइम पर भी, लगता है कि क्या पता इस बार भी विराट खेल रहा है, अगर वो आउट हो जाए तो फिर मैं कहती कि हाँ इंडिया हार गई, क्योंकि खेल रहा है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आपका? हिना। सो आयशा और हिना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे आज का मैच रुका है जहाँ पर, तो कल यहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? बिल्कुल पाकिस्तान जीतेंगे, और जितना भी वो गंदा खेले मैं तो कहती हूँ, लेकिन हम जो है वो इनके लिए दुआ करेंगे, बिकॉज वी आर पाकिस्तानी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा जरूर, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। तो जो इंडिया की परफॉर्मेंस हुई है, रोहित शर्मा वगैरह, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो है, इंडिया का आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन इनकी बारिश की वजह से रुक गया, लेकिन अगर कंटिन्यू होता तो बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन था आज। तो आज देखने का मज़ा ही कुछ और था, लेकिन चलें अब कल नेक्स्ट देखेंगे कल क्या होता है। लेकिन अब तक जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि इंडिया जीतेगा, लेकिन हमारी दुआ यही है कि पाकिस्तान ही जीते। लास्ट मोमेंट पर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो दुआएं करते रहेंगे, लेकिन अगर हम पाकिस्तान हैं, ठीक है, अगर हम हार भी जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। हमें ये तो है कि इंडिया के साथ मुकाबला तो क्या पाकिस्तान ने, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है, कोई हमारे लिए कोई इतनी वो बात नहीं है कि अगर पाकिस्तान हार गया तो हम ये कहेंगे कि भाई पाकिस्तान क्यों हार गया और हम ना देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कोई बात नहीं, कॉम्पिटिशन जस्ट अ गेम, कोई इशू नहीं है। आप लोग आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे इंडिया पाकिस्तान का कल मैच है यहीं से रिज्यूम होगा, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे इंडिया भी पुरानी है, हम इंडिया के लिए भी दुआ करेंगे और पाकिस्तान के लिए भी, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो हर कोई जो है वो अपना काम काज छोड़ के भी देखते हैं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत अच्छा होता है,
तो हमारी यही दुआ है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो बिल्कुल पाकिस्तान जीते, ये हम सबके लिए प्राउड, यही दुआ है हमारी भी कि इंशाल्लाह दोनों ही अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है, तो हम अपने पाकिस्तान के लिए दुआएं करेंगे इंशाल्लाह कि वो भरपूर मेहनत करे और इंशाल्लाह ज़रूर विन करे। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? नमरा रियासत। मिस नमरा, जैसा कि आपको पता है कि मैच डिले हो चुका है और कल यहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? देखिए, एज अ पाकिस्तानी तो जाहिर है हम उम्मीदें पाकिस्तान से ही रखेंगे और परफॉर्मेंस भी आजकल उनकी अच्छी चल रही है, और ये डिले होना जो है तो मेरे ख्याल से अच्छा है और इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, सस्पेंस पैदा हो रहा है। पिछली दफ़ा तो ऐसा हो गया था, स्कोर मिल गए थे और वो वहीं पे काम ख़त्म हो गया था, जो कि बहुत लोग उस हवाले से मायूस भी नज़र आए, गुस्सा भी कुछ लोगों में नज़र आया, क्योंकि सबको एक इंटरेस्ट था उसको पूरा देखने में, एंड तक देखने में, किसकी कैसी परफॉर्मेंस रही, कौन कैसी बॉलिंग कर रहा है, कौन कैसा बैट्समैन अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब जो है ये मौका मिल गया, बारिश तो हो गई, थोड़ा सा सस्पेंस और बढ़ गया, लेकिन लोग जो है एक्साइटमेंट जो है एक दोबारा से एक आ गई है, क्योंकि जब बारिश की वजह से मैच थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन हुआ तो लोगों को ऐसा लगा कि अब डिले हो जाएगा, मतलब अब होगा ही नहीं और फिर से स्कोरिंग का कोई ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं। और आपका कोई फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान की टीम में? प्लेयर सारी फेवरेट हैं, सबके साथ अच्छी उम्मीदें भी हैं और सबकी परफॉर्मेंसें भी सेटिस्फाई हैं। बॉलिंग हमारी जो है टीम की, पाकिस्तानी टीम की, ज़्यादा अच्छी है, तो हम उन बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और बैट्समैन को भी सपोर्ट करेंगे, ताकि वो भी अपनी कारकर्दगी ऐसी लाएँ कि हम दोनों तरफ से बराबर किसी भी मैदान में जाएँ तो जीत कर ही वापस। विराट कोहली का क्या ख्याल है? नो डाउट एज अ प्लेयर अगर हम उसको देखें तो हम पाकिस्तान इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर एज अ प्लेयर उनको देखें तो वो एक अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी अगर हम बात करें तो जाहिर है हम अपने प्लेयर्स को परफॉर्म करता हुआ देखना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि वो भी कुछ जैसे बाकी चीज़ों से हम उनको करते हैं तो इस चीज़ में भी कॉपी करें और उनकी तरह खेलने की कोशिश करें। कोई लास्ट मैसेज जो आप कल के मैच के लिए देना चाहें? कल के मैच के लिए सबको यही कहूँगी कि बहुत सारी दुआएं करें और ऐसे ही पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते रहें, और अगर वो हारें भी तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैच में जो है हार जीत तो खेल का हिस्सा। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना। मिस सना, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैच डिले हो चुका है तो कल दोबारा यहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगा, हमारे पास बेस्ट बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं, तो कोई चांस नहीं है इंडिया का। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा? डेफिनेटली पाकिस्तान जीतेगा। आप हमारे बैटर्स को देखें, हमारे पास नंबर वन बैटर है बाबर आजम, हमारे पास शादाब है, रिजवान है, फखर जमान है, हमारे पास बेस्ट टीम है इस टाइम पर। और अगर मैं पेसर्स की बात करूँ, हमारे पास शाहीन है, नसीम है, हारिस रऊफ है, ये बेस्ट ट्रायो बना हुआ है इस टाइम पर, तो इंडिया के जीतने का सवाल पैदा नहीं होता। ये सिर्फ उनका गुड लक कह लें या उनकी पूजा पाठ कह लें जो उनको बचा रही है इस टाइम पर। अगर आमना सामना सही तरीके से हो जाए तो इंडिया की धुलाई बहुत अच्छे से होगी। और आपका बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान की टीम में? सारी लड़कियों को ना मोस्टली बाबर आजम पसंद है, तो बाकियों की तरह मुझे भी अभी तक तो वही पसंद है। और अगर बॉलर्स की तरफ मैं बात करूँ तो नसीम शाह मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, और इंडिया में कोई तो लगता होगा ना, जैसे कोई कोई एक प्लेयर? नहीं, इंडिया जो है ना वो रिवायती हरीफ है हमारा, और हरीफों की टीम में मुझे कोई पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे मेरी टीम में दो प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, शादाब पसंद थे, अब उनकी शादी हो गई है तो अब वो मुझे पसंद नहीं है, बाकी वो बहुत अच्छा खेलते हैं, एज अ प्लेयर वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं वो नसीम और बाबर हैं। अच्छा, कोई लास्ट मैसेज कल के मैच के बारे में? मैसेज जो शायकीन क्रिकेट हैं बस उनसे ये मैसेज है कि दिल थाम के बैठे और उम्मीद ना छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान डेफिनेटली जीतेगा, और ना सिर्फ इंडिया से जीतेगा, एशिया कप भी जीतेगा। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शिफा। और आपका? फातिमा। तो शिफा और फातिमा, आपको जैसे कि पता है कि अभी मैच बीच में रुक गया तो अब कल यहीं से रिज्यूम होगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जीतेगा आपको? इंशाल्लाह पाकिस्तान। वैसे तो बहुत मुश्किल है इंडिया से जीतना, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान। आपको लगता है, दोनों को लगता है पाकिस्तान जीतेगा? बिकॉज वी आर पाकिस्तानी। सही है। तो आपका कोई फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान की टीम में? बाबर आजम। और आपका? नसीम शाह। इंडिया में? नहीं, इंडिया में नहीं, भी नहीं पता, नाम ही नहीं पता, कोई भी नहीं, नाम ही नहीं पता कोई। सही है। तो आप मतलब कोई विशेष देना चाहेंगी कल पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा? मुझे तो लगता है फिर कल बारिश हो जाएगी। बारिश हो जाएगी। कोई विशेष आखिर में कोई दुआ दे दें? इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, हमारी दुआ। इंशाल्लाह।
जीत जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुहेब। सर जुहेब, जैसा कि आपको पता है कि मैच अभी रुक चुका है, तो आप कल दोबारा यहीं से स्टार्ट होगा, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? आई थिंक पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीतेगा, कैसे? आधा दिन पूरा बारिश में जाएगा, फिर आधा दिन डकवेल लुईस के हिसाब से पाकिस्तान को बैटिंग होगी, या वो बैटिंग कर भी लेंगे तो फिर पाकिस्तान को चांस मिलेगा थोड़ा सा, ये ओवर और रेट कम होते हैं ना डकवेल लुईस में, तो उसके हिसाब से आपको लगता है कि पाकिस्तान जीतेगा? चांस है, बाबर आजम ने ऐसी कप्तानी टॉस जीत के बैटिंग नहीं करी थी, उनको कुछ सोचा होगा, कप्तान है हमारा बड़ा, तो बेशक अच्छी चीज़ है। अब अगर वो 25 ओवर 30 ही बनाएंगे तो हाफ तो बनाना पड़ेगा हमारे को 25 ओवर में, अगर डकवेल लुईस 200 रन बनाने पड़ेंगे बारिश होगी तो, मेरे साल तो पाकिस्तान के पास चांस होगा। आपका फेवरेट प्लेयर पाकिस्तान की टीम में? मेरा बाबर आजम है, बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहा है, वैसे रिजवान भी बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, हमारे सारे फेवरेट हैं माशाल्लाह, किसी एक को फेवरेट नहीं है। और इंडिया में? विराट कोहली, कौन कोई नहीं, इंडिया में नहीं, वैसे वर्ल्ड ऑफ में इंडिया और विराट कोहली, उसके बाद बाबर आजम। और कोई आखिरी विशेष जो आप देना चाहें कल के मैच के लिए? हुआ है इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीते, लास्ट टाइम तो विराट कोहली ने मैच जिता दिया था, इंशाल्लाह हमारा बाबर आजम जिला के उसको बताएगा जी। शुक्रिया।